एग्जांपल दिया है, इज द मैट्रिक्स ये इज इक्विवेलेंट टू आई थ्री। आई थ्री का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, इस 3x3 ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, रैंक इसका 3 मिलेगा। निकाल के चेक कर लेना। तो देखो अब बात करते हैं इसके बारे में। सपोज कर लो कोई ये ए मैट्रिक्स है, इसका क्या कर लेते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर इसका भी रैंक 3 के बराबर आ गया तो ये इसके इक्विवेलेंट बोला जा सकता है, ठीक है। तो देखो ए का डिटरमिनेंट पहले निकालते हैं, तो क्या होगा, 1 को बाहर रखो और क्या ये गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना -2। फिर क्या, -2 को बाहर रखो, 3 -4 मतलब क्या, -1 बचेगा। फिर 1 को बाहर रखो, ये तो क्या हो जाएगा, -1, और ये तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया, -2 +2 -1 मतलब कितना मिला, -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। मतलब ए जो मैट्रिक्स हमने लिया है वो कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जिस ऑर्डर के लिए उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आता वही क्या होता है, रैंक होता है। तो ये 3x3 ऑर्डर का था, मतलब आपका रैंक ऑफ ए भी क्या हो गया, 3 के बराबर आ गया, ठीक है। तो देखो रैंक ऑफ ए 3 के बराबर आया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का उसका भी रैंक 3 के बराबर आया। तो जिससे आप क्या बोल सकते हो कि ए इज इक्विवेलेंट टू i3, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है नियरली सेम वाला, ठीक है, रैंक 3, रैंक 3, ठीक है, नोट करो।